आप सबको मेरा नमस्ते और स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो होने वाली है स्कॉट्स के ऊपर, क्योंकि स्कॉट्स में हम लोग का आज पीआर। तो पीआर देखते हैं कैसे जाता है। अभी कुछ आधे घंटे में मैं ओट्स वगैरह खा के निकलूँगा जिम के लिए, फिर तभी आपसे मिलता हूँ और देखते हैं आगे का क्या सीन है। मेरे पास फालूदा है जो कल रात को लाया था, लेकिन कल रात को मैंने बस आधा ही खाया था और अभी इसको फ्रीजर में डाला है तो ये पूरा पत्थर बन गया है, निकल ही नहीं रहा है। अभी क्या करूँ, ऐसा हो रहा है क्योंकि अभी मेरे को ये खाने का बहुत मन है लेकिन पत्थर जैसा हो गया ये पूरा। 3 hours later ओट्स खा के निकल चुका हूँ। ओट्स 2 scoop लिया बस, कि ज़्यादा पेट फूला हुआ नहीं चाहिए इस वजह से। अभी रेडी हो चुका हूँ, अभी जा रहा हूँ आर्यन को मिलने क्योंकि आर्यन के पास है अमोनिया और रोहन भी आ रहा है और रोहन के पास ही सब कुछ सामान है क्योंकि वो कल गया था जिम, इसलिए तो अभी देखते आज कैसे जाता है स्कॉट्स। लेट्स गो, अभी फटफट जाके आपको मिलता हूँ। और चाय बोलने वाला था मैं, ब्लॉक कर अभी जिम में पानी एकदम ठंडा है, ठंडा मतलब सॉरी गर्म है। तो अभी जिम से पानी लिया है, जो पैसे दे के लिया है मैंने। तो अभी फ्री बना रहा हूँ, फ्री बनाने के बाद वी विल गो हिट सम कार्डियो और उसके बाद वी विल गो फॉर लेग। बात झाला तेवढ्या दे पानी वाला, ये हमारा लेग आज। और जो कि है लेग, अरे इससे कुछ नहीं वाला, इतना गिन के पानी पी रहे हैं मालूम। लेट्स गो। तो अभी रोहन लग गया अपने आगे, यहाँ पे फोन चले उसका और वो अभी लग गया काम पे अपने। तो अभी हम भी अपने काम पे लग जाते हैं, थोड़ा सा बाइसिकलिंग करूँगा और उसके बाद जब प्री हीट होना चालू करेगा तो उसके बाद थोड़ा सा वार्म अप, डायनेमिक स्ट्रेचिंग, ज़्यादा बहुत वार्म अप भी नहीं करूँगा, डायनेमिक स्ट्रेचिंग एंड ऑल करके सीधा स्कॉट के तरफ निकलूँगा। तो अभी आपको सीधा मिलता हूँ मैं स्कॉट के तरफ और वार्म अप का जो भी रहेगा वो आपको मैं बता दूँगा। मतलब वार्म अप हो गया, डायनेमिक एंड ऑल कर दिया, मोबिलिटी और बाकी सबका, थोड़ा कॉर्ड्स फोकस कर दिया, एक्सटेंशन और लंजेस। अभी जा रहा हूँ स्कॉट्स के लिए, स्कॉट्स का वार्म अप हो गया और अभी सीधा वार्म अप लूँगा 70-120 और मे बी उसके बाद जो भी रहेगा आपको दिखा दूंगा। अभी थोड़ा बहुत हैमस्ट्रिंग का करता हूँ वार्म अप, हैमस्ट्रिंग का वार्म अप होने के बाद आपको सीधा मिलता हूँ। वार्म अप लेने जा रहा हूँ और लेट्स गो, देखते वार्म अप कैसे जा रहा है। हैमस्ट्रिंग और कॉर्ड्स काफ़ी हद तक पंप कर दिया है मैंने, पंप मतलब पंप यानी कि पूरा भी पंप नहीं, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाया, बाकी कुछ किया नहीं है मैंने। एक्साइटेड बट नॉट दैट मच, क्योंकि पहली बार लिया हूँ तो सही से परफॉर्म नहीं कर पाया था क्योंकि ज़्यादा एक्साइटेड था इस वजह से। प्लेसमेंट ले रहा हूँ फुट स्टेप का, तो थोड़ा बहुत ऐसा आगे पीछे हो रहा है नेक्स्ट टाइम ना। और अभी एल्बो पेन फिर से चालू हो गया, मैंने बाम लाया क्योंकि जो दूसरा वाला था बॉक्स में वो ख़राब हो गया, ट्यूब है मेरे पास वो लगा के काम चलाऊंगा। तो अभी बॉडी गर्म है तब तक फटफट वाम वगैरह कर लेता हूँ क्योंकि बाद में ठंडा हो जाएगा तो कोई मतलब नहीं बनता उस चीज़ का। थोड़ा चेंज कर दिया वाम अप में, 120 की जगह 100 लियो। Thank you.
100 गए, लेट्स सी इसके बाद मैं भी 140 लूँ या फिर 150, लेट्स सी 150 लूँगा तो डायरेक्ट 50 किलो का जंप होएगा। 140 लेके 175 या फिर 170 लेंगे, देखते क्या होता है। बॉडी के अपोजिट जाके काम नहीं करना है, मतलब समझ लो अगर तो लोअर बैक काम नहीं कर रहा है या फिर रिस्ट काम नहीं कर रहा है बट स्टिल यू आर डूइंग उसका मूवमेंट, तो ऑफकोर्स पेन ही आएगा, इंजरी आएगा और कुछ आएगा नहीं इस वजह से। तो अभी 140 का वार्म अप लेते हैं। तो अभी मैं सब कुछ फटफट मार रहा हूँ, मतलब जैसे 70 लिया, 70 के बाद फटक से वीडियो देखा बस, और उसके बाद मैंने 100 का मारा, वही किया, वीडियो देखा, बेल्ट अभी लिया और रिस्ट बैंड 140 डाल के अभी फटक से मार रहा हूँ। तो अभी 140 लिया, अभी सीधा आपको मैं लास्ट वार्म अप दिखा दूंगा। मोस्टली अभी लास्ट वार्म अप के पहले एक वार्म अप ले लूँ, वरना मैं सीधा आपको लास्ट वार्म अप के इधर ही मिलता हूँ मैं। तो अभी लास्ट वार्म अप ले रहा हूँ और उड़े ना थोड़ा, टाइट कर, टाइट बांध दे। तो गाइस अभी प्रेम लेने जा रहा है 175। चल हाँ चल चल इजी स्क्वाट, हाँ आप चल मस्त रे मस्त इजी, चल रैक, हाँ गेला गेला। चल बहन शॉट, चल स्क्वाट अप, चल चल हाँ आता। तो अभी गाइस प्रेम 200 मारने जा रहे हैं, पूरा जिम दिख रहा है गाइस प्रेम को। चल या इजी कट कट मस्त, आ आ गे many minutes later। अभी बिल्डिंग के नीचे हूँ, वी विल वर्क ऑन इट, दो तीन हफ्ते बाद फिर से लूंगा मैं पीआर उसका, बिकॉज आई वांट टू लिफ्ट दैट 200 केजी इन स्क्वाट। और रही बात, अभी 9:30 बज चुके हैं, मतलब बहुत ही लेट हो चुका है, यूजुअली इतना लेट नहीं होता है, स्क्वाट की वजह से ज़्यादा ही लेट हो रहा है, लेकिन अभी हो गया। और अभी घर पे जा रहा हूँ, घर पे आने के बाद मम्मी तो डांटने ही वाली है। आई होप सो वीडियो अच्छी लगी हो, आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।